हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ जैक्सन, योर फिजिक्स क्लास टीचर। भौतिक विज्ञान जो चैप्टर आपका है वो मुझे मिला है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको भौतिक विज्ञान का। और भौतिक विज्ञान में आपको पिछले वीडियो में फिर एक चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, ओके। उसके आगे एक चैप्टर है जो बच्चे में पार्ट्स हैं वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्लास नाइन्थ के लिए है ये भौतिक विज्ञान लेसन टू, यानी चैप्टर टू है ये भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ना है मुझे बल तथा गति के नियम। चैप्टर का नाम क्या है? बल तथा गति के नियम, ये हमारा चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, आपको स्क्रीन पे पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि स्क्रीन मीटर देखिए आप लोग कि पूरा ये डायग्राम बनाया जो मैंने, इसका मतलब ये है कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक है उसके नाम दिए गए हैं, और हर टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और स्टेप को ड्यूशन बता देंगे आपको इस चैप्टर में पूरा क्या क्या पढ़ना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो ये हमारा चैप्टर का पहली बार नाम क्या है आप जान लीजिए, बल तथा गति के नियम। दो टॉपिक दिख रहे हैं, पहला बल दूसरा गति के नियम। तो बल और गति के नियम में पहले हम जानेंगे बल के बारे में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बल क्या होता है, तब बोलना धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी वस्तु पर जब कोई बल लगाया जाता है ना, तो वो अपना स्थान बदल देता है। तो इससे ये भी परिभाषा आपको मैं बताता हूँ, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो उसके पोजीशन, उसके स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? बल कहते हैं। मान लो एक चाक है, अब इस चाक को उठा के हमने इधर रख दिया, पहले इस पोजीशन पे था अब इस पोजीशन पे, यानी कि पोजीशन चेंज हो गया। कब? जब फोर्स लगाया गया तब। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? बल। अब आते हैं गति के नियम में। गति के नियम है, न्यूटन है, न्यूटन ने गति के नियम के बारे में क्लेरिफाई किया था, अच्छे से बताया था गति के नियम क्या होते हैं। तो गति के नियम के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं बल और गति के नियम में, दो पढ़ने हैं आपको। पहला पढ़ना है बल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है बल क्या होता है। फिर आते हैं हम लोग गति, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए थे, न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए थे। और गति के तीनों नियम के नाम दिख रहे होंगे, न्यूटन गति के नियम कहते हैं हम लोग। गति के प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम। दूसरा स्टूडेंट गति के द्वितीय नियम। तीसरा स्टूडेंट गति के तृतीय नियम। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अभी बता दूंगा इसके बारे में। तो आते हैं गति के प्रथम नियम में। अब गति के प्रथम नियम में स्टूडेंट क्या है सुन लेते हैं, आप सुन लीजिए कि न्यूटन ने यह बताया था, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामा मतलब कि स्थिर है, ये यहाँ रख दें, ये भी किन अवस्था में है? विरामावस्था में। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो ये विरामावस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जैसे मैंने बल लगाया, उठा लिया, यहाँ रख दिया, तो बल लगाया तभी तो स्थान बदला, बल न लगाओ स्थान बदलेगा ही नहीं। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी से आगे एक टॉपिक और है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, अगर पहले से कोई वस्तु गति में चल रहा है तो वो तब तक चलेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। मान साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, अगर आप उसे ब्रेक नहीं लगाओगे साइकिल रुकेगा नहीं, क्यों? तो बल लगाते हो ना, ब्रेक लगाते हो तो बल लगता है, बल लगता है साइकिल क्या होती है? रुक जाती है, यानी कि बाहरी बल लगाने पे उसकी गति में क्या चेंजेस आ जा रहे हैं, ओके। तो ये हमारा गति का प्रथम नियम है स्टूडेंट। गति के द्वितीय नियम में यही नियम है, गति का जो द्वितीय नियम है वो बल है। बल क्या है? बल बराबर एम गुणे ए। एम मतलब होता है स्टूडेंट द्रव्यमान का, क्या होता है? द्रव्यमान का। ए मतलब होता है त्वरण, क्या होता है स्टूडेंट? त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है वही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इसे ही बोलते हैं द्वितीय नियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? द्वितीय नियम। समझ में आया आपको? द्रव्यमान में त्वरण से गुणा कर देंगे उसे क्या कहेंगे? बल कहेंगे। ये गति का द्वितीय नियम है।
आते हैं द्वितीय नियम में। तो गति का तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। क्या है बच्चों? क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। तो गति का क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वह उतना ही बल अपोजिट दिशा में हम पे लगाता है। जैसे कि किसी वस्तु में कोई बल लगा रहा है, अब उतना ही बल उधर से मेरे कोई लगाए तो उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं इस दीवार पे, इस ब्लैक बोर्ड पे ही अगर हम लोग बल लगाते हैं तो ये ब्लैक बोर्ड पीछे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उतना ही बल ये दीवार मेरे पे लगाता है। तो दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एक बल ये है, एक बल ये है, दोनों बल को बराबर, ना तो ये इधर जाएगा ना तो ये इधर जाएगा। इसका मतलब ये है, ये हमारा क्रिया है। क्या स्टूडेंट? क्रिया है। और ये वाला मतलब क्या है? प्रतिक्रिया है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बल क्या है? बराबर है। ये दोनों बराबर होंगे तो उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये गति का तृतीय नियम है स्टूडेंट। अब आते हैं गति के प्रथम नियम में दो होते हैं, एक होता है जड़त्व, दूसरा होता है द्रव्यमान। जड़त्व मैंने जब परिभाषा बताया है ना, यही जड़त्व का नियम है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है विरामावस्था में रहेगा, जब कोई वस्तु गति अवस्था में है गति अवस्था में रहेगा। कब तक? जब तक बारी बंदा लगाया जाए तब तक। ये हमारा इसे ही बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जड़त्व। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान के बारे में जाना कि कोई वस्तु में उसके जो परिणाम होते हैं, उसके जो वेट होता है, भार होता है, द्रव्यमान होता है, इसके बारे में जानेंगे। खैर चट्टे जो पढ़ाएंगे बता देंगे। अभी आते हैं गति के द्वितीय नियम में जो मैंने बताया आपको। द्वितीय नियम में आपको संवेग भी पढ़ना है। संवेग को दिखाते हैं पी से। पी गुणे क्या होता है? मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वी मतलब वेग। यानी कि द्रव्यमान को वेग से गुणा कर देंगे, क्या कहलाएगा? संवेग। द्रव्यमान को वेग से गुणा करते हैं तो संवेग कहलाता है। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? संवेग हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं हम लोग गति के तृतीय नियम में। गति के तृतीय नियम में आपको दो पढ़ने हैं, एक संवेग संरक्षण का नियम, दूसरा क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो मैंने संवेग संरक्षण नियम के बारे में बताई दिया था आपको, अरे मैंने क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के बारे में बताई दिया था। अब आते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु गति कर रहा है या उसके परिसरों पर बल लगाया जा रहा है, उसका संवेग क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए? कांस्टेंट, चेंज ना हो। संवेग का क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो यही तरह का संवेग संरक्षण, इस पर डेरिवेशन है, फॉर्मूला प्रूव कराया जाएगा। तो फॉर्मूला यही आपका m1v1 + m2v2 = m1u1 + m2u2। स्टूडेंट ये फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा आपको इसी में, ओके। और फिर आप जो पढ़ लेना जो पढ़ाया जाएगा, ये इंट्रोडक्शन है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या स्टूडेंट? तो क्रिया प्रतिक्रिया मैंने बताया, जब किसी वस्तु कोई क्रिया किया जा रहा है तो उसके ही विपरीत दिशा में उतना ही बल को प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, ओके। ये सारा होल चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है स्टूडेंट। ये है आपका बल का है, बल गति का नियम है। बल में यहाँ बल होता है, गति का नियम होता है। बल में आपको गति के नियम में तीन नियम पढ़ने हैं, गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। गति के नियम में पहले दो नियम आपको दो बार पढ़ना है, जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में। गति द्वितीय नियम आपको पढ़ना है बल संवेग के बारे में। गति तृतीय नियम पढ़ना आपको संवेग संरक्षण का नियम तथा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के बारे में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा शुरू से स्टेप बाय स्टेप एक एक हेडिंग करके लिखवा के पढ़ाऊंगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।